T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 मरले से पहले ही घर की राह देखने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने के सवाल पर दिया कौन सा बड़ा जवाब। बांग्लादेश के सुपरस्टार बैट्समैन तमीम इकबाल ने पाकिस्तानी टीम के लिए क्यों कर दी शहीद अफरीदी से अपील, डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में जीत के बाद मीडिया टॉक के दौरान पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम से जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की शर्मनाक परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी टीम की क्यादत छोड़ने का सवाल किया गया तो बाबर आजम ने दिया बड़ा जवाब। बाबर आजम ने कहा कि पहले वर्ल्ड कप 2023 के बाद उन्हें लगा था कि कप्तानी की वजह से पाकिस्तानी टीम नहीं जीत पाई तो उन्होंने खुद ही क्यादत छोड़ दी थी। फिर PCB ने अगेन उनको कप्तानी कबूल करने के लिए कहा तो मैंने कबूल कर ली, अब बोर्ड कहेगा तो कप्तानी दोबारा छोड़ दूंगा। बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप में वो कौम की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरे, वो टीम के लीडर के तौर पर नाकाम रहे और अपनी नाकामी और खराब परफॉर्मेंस को तस्लीम करता हूं। उन्होंने कहा कि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से पाकिस्तान जाकर मुलाकात करूंगा, चेयरमैन को लगता है कि टीम में सर्जरी की जरूरत है तो उनसे बात करेंगे। बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप के पहले मरले में ही बैर होने का उन्हें बेहद अफसोस है, शिकस्त का जिम्मेदार कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हम पूरी टीम है। दूसरी जानब T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 मरले से पहले ही बैर होने वाली पाकिस्तानी टीम की हालत पर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के सुपरस्टार बैट्समैन तमीम इकबाल को अफसोस हुआ तो उन्होंने शाहिद खान अफरीदी से अपील कर दी। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमीम इकबाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले राउंड में बैर होता देख कर बहुत अफसोस हो रहा है, उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम अगली बार बेहतर तैयारी से आएगी और उनको रास्ता दिखाने के लिए शाहिद खान अफरीदी जैसे सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। दोस्तों याद रहे कि इससे कबल शाहिद खान अफरीदी ने भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए PCB पर जोर दिया था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को इज्जत दें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी और दोनों टीमें पहले ही T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।